हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट ईएफए एंड एटा हमारा ट्रिगोनोमेट्री थ्योरी सीरीज रो क्लास नंबर 10। तो मुझे जब आपण मानक पचार भी साइन 60 रो वैल्यू आपण माने कहबे रूट 3 बाय 2, मुझे कहबे टैन 45 रो वैल्यू आपण माने कहबे 1, मुझे कहबे कॉट 45 रो वैल्यू आपण कह दे 1, बट मुझे जब पचार भी टैन 75 डिग्री वैल्यू केते, समिति कॉस 105 रो वैल्यू केते किंबा साइन 135 रो वैल्यू केते, तो आपण माने एटा कहिया पई डिफिकल्ट हबो काहे कि ना आमे एंगल रो फंक्शनल वैल्यू पढ़िने, आमे पढ़ी चकन ना 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री एमिति कि स्टैंडर्ड वैल्यू रो आमे फंक्शनल वैल्यू केमिति बाहर करू आमे सेटा पढ़ी छे, किंतु आमे एगुडा पढ़िने, किंतु आमे जदि ए 75 हो 105 हो 135 कि आम यदि स्टैंडर्ड एंगल सम किंबा सब्सट्रैक्शन रे आम कन्वर्ट कर पारिबा ताला आम बाहर कर पारिबा, आम यदि लिखा टैन 75 को आम यदि लिखा टैन 45 प्लस 30 कर पारिबा, तो आम यदि जे कोनी एंगल को यदि दुटा स्टैंडर्ड एंगल लिखि पारिबा ताला आम वी कैन कैलकुलेट द फंक्शनल वैल्यू। ओके, ताले सही जो फंक्शनल वैल्यूटा केमिति कैलकुलेशन करता चलंतु देखिबा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आम जदि 105 डिग्री के आम लिखिपर दुटा स्टैंडर्ड एंगल सम्रे कौन लिखिपर ना आम लिखिपर 60 प्लस 45 लिखिपर, कारण आम ये गोटे स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ गोटे स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने ये आम जाचे यहाँ भी आम जाचे 45 जेकोसी ए एंगेल फंक्शनल वैल्यू बाहर कर पारा, कि आम 105 बाहर करेणु तो आम जेको गोटे एंगेल जदि किसी स्टैंडर्ड एंगेल सम कि डिफरेन्स अनुसार आम प्रकाश कर पार तो आम से कौन कह कंपाउंड एंगल कह कारण यहाँ दुटा एंगेल मिसिके यहाँ आंगेलटा क्रिएट होती आम कौन कह कंपाउंड एंगल। ओके, तो आज आम कौन पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल लिखी, तो आम आज कौन पढ़ा कंपाउंड एंगल, तो आम कंपाउंड एंगल फास्ट फंडामेंटल चार्टा जिनस पढ़ा चार्टा फर्मूला पढ़ा, तो नहींक आम अलग बाकी सब फर्मूला प्रूव करा। ओके, तो आम चार्टा फर्मूला लिखीद, सो फास्ट फर्मूला है साइन ए प्लस बी आम जानते आम पढ़ा कौन कंपाउंड एंगल, तो आम आंगेलटा सब कंपाउंड दुटा मिसिक रोक कि दुटा फेड़ा ही रोहल आम साइन ए प्लस बी फर्मूला पढ़ा कौन ना साइन ए इंटु कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़िया ना जो दुटा डिफरेन्स एक अच्छे साइन ए माइनस बी आम कौन कर साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी। ओके, नेक्स्ट आमर आसला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कौन लिखा ना कॉस ए इंटु कॉस बी माइनस साइन ए इंटु साइन बी। ओके, आम जब पढ़ा कॉस ए माइनस बी आम इटा कौन लिखा कॉस ए इंटु कॉस बी प्लस साइन ए इंटु साइन बी। ओके, तो आपण मानक चार्टा फर्मूला मन रखा पड़े, धर आम एग्जांपल गोटे नवा मुझे पचारि साइन 75 डिग्री वैल्यू करते आप तो जानना पढ़ने 75 डिग्री तो आम ये कौन करा ना फास्ट आम देखा जाए गोटे कंपाउंड एंगल दुटा कंपाउंड एंगल सम कि डिफरेन्स लिखी पड़े कि नहीं, तो आम जाचे कौन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये जानते आम ये वैल्यू, तो आम ये कौन करवा आम जब लिखा ये 45 प्लस 30 मिसले आम कौन हो पार ना 75 हो पार आम कौन लिखा ना साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आम एटा को फर्म आसा ना साइन ए प्लस बी मैंने एटा बीटा गोटे गोटे कौन स्टैंडर्ड एंगल। ओके, तो जहाँ बेले आम बाहर कर पार। ओके, तो आम ये दुटा स्टैंडर्ड वैल्यू को आम कनवर्ट करदे आम ये कौन लिखिपर ना साइन ये ए प्लस बी तो साइन ए प्लस बी आम फर्मूला कौन पड़े ना साइन ए इंटु कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी। ओके, तो कौन कर ना साइन ए इंटु कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी। ओके, ये आम साइन 45 वैल्यू के जानचे ना 1 बाय
रूट टू इंटू कॉस 30 वैल्यू केते जानचे ना रूट थ्री बाई टू प्लस कॉस 45 वैल्यू केते जानचे ना 1 बाई रूट टू इंटू साइन 30 वैल्यू केते जानचे ना 1 बाई टू ताहले एटा मते सॉल्व करे एटा केते जाबो ना 2 रूट टू उपरे जो रूट थ्री प्लस 1 बाई टू रूट टू एटा कते आमे सॉल्व करिया एलसीएम जीवो 2 रूट टू एटा रहला रूट थ्री प्लस 1 ताहले आमर वैल्यू केते बाहरला साइन 70 वैल्यू अछि पटे आमे बाहर करले तेल आम जान लें कौन ना जेकोसी गोटे आंगेल जब आम स्टांडार्ड आंगेल सम कि डिफरेन्स डिड करें सेटार भैल्यू आराम से काल्कुलेसन करके सो आम सेमती अलग सब फर्मुला गोटे आम आप्लाई करपर आ पढ़ी दूसरी कौन कौन सब फर्मुला ना साइन ए प्लस बी आम कौन कहपर ना साइन ए इंटु कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी सेमती आम साइन ए माइनस बी कहते कौन लिखे ना साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी सेमती कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कौन ना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी सेमती कॉस ए माइनस बी कौन ना कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी देखो ये साइन ए प्लस बी रहा बेले एटी कौन ना प्लस रोचे यहाँ कितना साइन है कॉस होती कॉस है साइन होती कौन साइन ए माइनस बी यहाँ हूँ माइनस ही होके कितु ये देख कॉस ए प्लस बी बेले माइनस होती कॉस ए माइनस बी यहाँ हूँ कौन प्लस हो कॉस फंक्शन में कौन ना कॉसटा गोटे जगह मल्टीप्लाई होती साइन आ गोटे जगह मल्टीप्लाई होती देख ये कितनी कौन ना साइन कॉस साइन में गोटे आंगल मल्टीप्लाई होती कॉस आ गोटे आंगल सहित ओके सब देख तो आप मन रखिपर तो या यूज करके नेक्स्ट सब कमी बाहर कर सो आम बर्तमान देखा जदि आम यहाँ इक्वेशन चार्टा आम लिखे 1, 2, 3, 4 चार्टा इक्वेशन लिखे बर्तमान आम कह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा साइन ए प्लस बी इंटु साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई करवा तो आम कौन लिखिपर ना साइन ए प्लस बी वैल्यू जानते कौन ना साइन ए इंटु कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी लिखिपर इंटु साइन ए माइनस बी जगह कौन लिखिपर ना कॉस साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी तुम लिखिले कौन ना साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी ओके ताहले बर्तमान यहाँ मल्टीप्लाई करवा बर्तमान मल्टीप्लाई कले ये मल्टीप्लाई तो ये कैसे ना साइन स्क्वायर ए इंटु कॉस स्क्वायर बी प्लस तब यू ये मल्टीप्लाई करवा कौन होटा ना साइन ए कॉस बी कॉस एटा हो कौन प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एटा माइनस हो ओके बर्तमान आम नेक्स्ट कॉस ए साइन बी को मल्टीप्लाई करें तो कौन हो प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी इंटु साइन ए इंटु कॉस बी ओके माइनस कॉस ए इंटु साइन बी कॉस ए इंटु साइन बी कौन हो माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी ओके बर्तमान आम देख साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी दुटा सेम तो आम दुटा प्लस माइनस कैनसल कर रही कौन आमर ना साइन स्क्वायर ए इंटु कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी ओके आम या बर्तमान आम कौन लिखिपर आम कॉस स्क्वायर बी को आम लिखिपर आम जानते कौन जो गोटे आंगेल आंगेल साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ जो आम बी लिखा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कौन हो वन आम कॉस स्क्वायर बी जगह आम जब पकईदे कौन वन माइनस साइन स्क्वायर बी तो आम कौन लिखिपर साइन स्क्वायर ए होल इंटु वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिखे ये सेमती कौन करवा ना कॉस स्क्वायर ए आम जो ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन तेल आम एटी आम कर स्क्वायर ए आम कौन कहते ना वन माइनस साइन स्क्वायर पकईदे तो ये पकईद वन माइनस साइन स्क्वायर ए होल इंटु साइन स्क्वायर बी ये ब्राकेट आम खुल तो ये कहते ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी माइनस ये माइनस ओके माइनस यहाँ साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हो साइन स्क्वायर बी
प्लस एटा माइनस माइनस प्लस होगा साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी तले आम देखा ये अच्छे माइनस साइन स्क्वायर इंटु साइन स्क्वायर बी ये अच्छे प्लस साइन स्क्वायर इंटु साइन स्क्वायर दुटा कौन हो कैनसल आउट हो रहा कौन ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ओके ठिया गोटे फर्मूला कौन जानले ना साइन ए प्लस बी इंटु साइन ए माइनस बी इजिकल आम कौन लिखे यू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बोली लिखिपर आम ओके आम बर्तमान जदि साइन स्क्वायर ए जगह आम पकेबा आम पक वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पकईपर एंड साइन स्क्वायर बी जगह पकड़ वन माइनस कॉस स्क्वायर बी आम पकईपर तेल ब्राकेट ओपन कर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी ओके तेल ये कौन हो वन माइनस वन कैनसल रहा कैसे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कौन ना कॉस स्क्वायर बी ये माइनस कॉस स्क्वायर तो माइनस कॉस स्क्वायर तेल आम यू आउ गोटे कौन लिखिपर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ओके ताहले आम ये देखिले साइन ए प्लस बी इंटु साइन ए माइनस इज इक्वल टू कौन ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ओके नेक्स्ट सो आम जब नेक्स्ट आम इक्वेशन थ्री आउ फोर को मल्टीप्लाई करें तो कौन हम देखिए तार रिजल्ट बाहर कौन ना आम धर देखिले कॉस ए प्लस बी इंटु कॉस ए माइनस बी जदि आम दुटाक मल्टीप्लाई करा कौन आस देखा कॉस ए प्लस बी कौन ना कॉस ए इंटु कॉस बी कॉस ए इंटु कॉस बी माइनस साइन ए इंटु साइन बी होल इंटु कॉस ए इंटु कॉस बी प्लस साइन ए इंटु साइन बी ओके मतलब ये मल्टीप्लाई करा कॉस ए इंटु कॉस बी कॉस ए इंटु कॉस बी ताले कौन होगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए इंटु कॉस बी साइन ए इंटु साइन बी ये कौन लिखिपर आम कॉस ए इंटु कॉस बी इंटु साइन ए इंटु साइन बी ओके माइनस इंटु प्लस माइनस ये कौन लिख साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी तो लिखिपर कौन ना साइन ए साइन बी ये माइनस इंटु कॉस ए इंटु कॉस बी ओके देन माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटु साइन बी इंटु साइन बी ताले कौन हो साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी ओके आम जब बर्तमान देखा जे कॉस ए इंटु कॉस बी साइन ए इंटु साइन बी एटाइज कौन साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी आम देखिए दुटाक सामान तेल दुटा कौन कैनसल आउट होगा सो ये रहा कैसे ना कॉस स्क्वायर ए इंटु कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी ओके जदि आम यू कॉस स्क्वायर रखी यदि कॉस स्क्वायर बी टाक आम कौन कर ना वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिखिपर तो होल इंटु वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिखिले माइनस ये यदि कॉस स्क्वायर ए अच्छी तेल साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर करपर ये कमी करा ना वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखिपर ओके इंटु के साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटु वन ब्राकेट ओपन कले कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी अच्छे अच्छी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटु साइन स्क्वायर बी दुटा कैनसल आउट होगा रहा कैसे ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ओके आम ये कौन कर लिखिपर जे कॉस ए प्लस बी इंटु कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जदि आम ये पुट कर बर्तमान कॉस स्क्वायर जगह कौन कर ना वन माइनस साइन स्क्वायर लिखिपर माइनस साइन स्क्वायर बी जगह कौन लिखिपर वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखिपर ओके कौन है ब्राकेट ओपन कले वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी तो माइनस
प्लस वन कैनसल रहा के कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ओके ताहले आम ये लिखिपर कौन ना कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जगह आम आगे लिखिपर ना कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ओके ताहले यहाँ आउ गोटे फर्मूला आसला तो आमर यही फर्मूला आप सब मन रखा पड़ो तो यही दुटा का मतलब फंडामेंटल जमी मन रखा पड़े जदि यार प्रूफ आप दरकार तेल आप कमेंट करूँ कमेंट बक्स में आउ गोटे प्रूफ भिडियो गोटे बनईदेवि ओके तो ये चार्टा फंडामेंटल रूल तो आउ दुटा यहाँ आम अलरेडी प्रूफ कर सारी तो ये दुटाक लिखिदेवे तो नेक्स्ट पढ़िया आम ओके सो आम बर्तमान गोटे क्वेश्चन करवा तो क्वेश्चन टा कौन देना साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 सो फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा सो आम कंपाउंड एंगल पढ़ी ऑलरेडी तो आम साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला कौन जानचे ना साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा ताहले आम ये देखिए कौन गिवन अच्छे ना साइन अल्फा गिवन अच्छी ओके आग गिवन अच्छे कौन ना साइन बीटा गिवन अच्छे आम दरकार कौन कौन आमको ना कॉस बीटा दरकार कॉस अल्फा दरकार आम जाचे कौन ना बर्तमान साइन अल्फा तो आम कॉस अल्फा जी बाहर करें साइन अल्फा देखिए 15/17 तेल ये गोटे राइट एंगल ड्र करवा यहाँ जो अल्फा एंगल नवा तो साइन अल्फा देते 15/17 दे साइन अल्फा आम जाचे कौन पी वाई एच एटी पी के ये यहाँ हो पी फ्रंट सैडटा तो यहाँ आम 15 हाइपोटेन्स के 17 तो आम आगु ट्रिपलेट्रे पढ़चे जे 15/17 दुटा लगे 8 कारण 8/15/17 गोटे कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आम बीटा मर के ना 8 पी होगा 15 एच होगा 17 ताल आम बर्तमान साइन अल्फा भाली पकईद 15/17 गिवन अच्छी कॉस बीटा आम जाणी तो कॉस बीटा भी बाहर करवा तो फर्स्ट कॉस बीटा जो बाहर करें कौन जानचे गोटे आंगेल नहीं देने बीटा आम को बीटार कौ आंगेल दीजिए ना साइन बीटा दीजिए साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 आम जो लिखिले साइन बीटा साइन फंक्शन कौन ना पी बाई एच जानचे आम तो पी के 12 एच है के 13 तो आम जानचे गोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन 5/12 तो यहाँ जी 12/13 ये कैसे हो 5 होगा बी आम के 5 तो आम जी पी बी एच तीन टाक देखिए आम जब कॉस बीटा कारण यहाँ आम बी एंगल नहींचे तो कॉस बी बाहर करें कॉस बी कौन हो ना बी बाई एच बी के 5 एच के 13 ताल आम कर कॉस बी जगह फिर 5/13 देख ये दुटा आंगेल दीजिए गोटे ए बी तो ए पर आम गोटे नहीं बाहर करते पाइथागोरियन ट्रिपलेट पुणी बी पर आउ गए नहीं तार फंक्शन बाहर ओके कॉस बी बाहरी गला प्लस कॉस अल्फा आम साइन अल्फा आम तीन टाक साइन अल्फा वैल्यू नहीं कि आम राइट एंगल ट्रायंगल बनईदे बर्तन आम से साइन अल्फा आम बर्तन कौन बाहर करेंगे कॉस अल्फा दरकार तेल पी बी एच जानचे कॉस अल्फा कमी बाहर ना बी बाई एच बी के 8 एच के 17 तेल कॉस जगह कौन 8/17 लिखिए इंटु साइन बीटा गिवन अच्छे आम लिखिए ना 12/13 ओके तो बर्तमान आम लिखिया एलसीएम के ना 13/17 ये 15/5 75 प्लस 8/12 8/2 16 6/1 96 ओके तो ऐड कल के 90/160 171 ओके नेक्स्ट आम कर 13/17 ओके तो 13/17 51 5/17 5/22 तो आम भैल्यू के 171/221 ओके ओके सो आम क्वेश्चन नंबर 2 करवा क्वेश्चन नंबर 2 कौन ना फाइन साइन 75/15 तो आम जो दुटा आंगेल फंक्शनल भैल्यू जाने तो आम ट्राए करवा कौन या गोटे कंपाउंड आंगेल या गोटे स्टैंडर्ड आंगेल दुटा सम कि डिफरेन्स आम लिखिपर तो लिखा कौन ना साइन साइन 75 के कौन लिखे आम फास्ट देखिए आम जानचे कौन 0 जानचे 30 जानचे 45 जानचे 60 जानचे 90 जानचे तो आम कौ आंगेल नहीं क्या बनई पार ना आम 45 30 दुटा जो मिसेवा तो आम 75 पाइपर तो आम ये कौन लिखिपर ना साइन 45
प्लस कौन कर थर्टी मिस तेज़े भैल्यू कमी धार ना साइन ए प्लस भी कहीं ना साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटु साइन बी ओके मैंने कॉस 45 प्लस इंटु इंटु कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटु साइन 30 साइन 45 भैल क्या वन बै रुट टू इंटु कॉस 30 भैल्यू कैसे ना रुट थ्री बै टू अलरेडी पढ़ी आम अलग प्रिवियस क्लास रे कॉस 45 रे भैल्यू कैसे ना वन बै रुट टू इंटु साइन 30 रे ना वन बै टू तो यहाँ एलसीएम कहते ना टू रुट टू ऊपर रहा रुट थ्री प्लस वन तेल आम यार भैल्यू पाईगले रुट थ्री प्लस वन होल डिवाइडेड बै टू रुट टू तेज़ बर्तन बाहर करा भैल्यू ना साइन 15 रे भैल्यू तो साइन 15 के कौन लिखिपर साइन 15 कौन लिखिपर आम जब 45 माइनस 30 करा तो साइन 15 भैल्यू बाहर करेंगे कि नहीं आम जब साइन 15 जगह कौन लिखा ना साइन 45 माइनस 30 डिग्री तेल 45 30 कहे 15 हम तेल आम यहाँ कौ फर्म कहलानी ना साइन ए माइनस बी फर्म कहला जब आम साइन ए माइनस बी जानते कौन फर्मूला ना साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी तेल आम लिखिद साइन ए इंटु कॉस बी माइनस कॉस ए इंटु साइन बी ओके इक्वल टू कौन ना साइन 45 रहा कैसे ना वन बै रुट टू इंटु कॉस 30 रहा कैसे ना रुट थ्री बै टू माइनस कॉस 45 रहा कैसे ना वन बै रुट टू साइन 30 साइन 30 रहा कैसे ना वन बै टू जब एलसीएम टू रुट टू होगा रुट थ्री माइनस वन होगा तेल कैसे ना रुट थ्री माइनस वन डिवाइड बै रुट टू आम देखो ना मल्टीप्लाई तेल आम मल्टीप्लाई करदे बाहर जी तेज़े मल्टीप्लाई कले कमी हम ना यदि मल्टीप्लाई करवा साइन 75 रहा कैसे ना रुट थ्री प्लस वन बै टू रुट टू इंटु रुट थ्री माइनस वन बै टू रुट टू ओके बर्तमान ये एलसीएम कौन ये मल्टीप्लाई हाँ ये क्या ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी रुट थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो रुट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर तेज़े कैसे जाओ टू इंटु टू फोर रुट टू इंटू रुट थ्री टू तेल कैसे ना एट उपर तेल कैसे ना रुट थ्री स्क्वायर थ्री माइनस वन बै एट टू बै एट कैनसल हो वन बै फोर तेल आंसर कैसे वन बै फोर आम बर्तमान आम चाहिए कौन करना या कि यूज न करते जिन आम डायरेक्ट करमी देखते कमी करा तो आम जब आम पढ़ले कौन ना साइन ए प्लस बी होल इंटू साइन ए माइनस बी इजिक्वल टू कौन ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कि आम कौन कर ना कस्क्वेयर बी माइनस कस्क्वेयर ए बर्तमान आम जब साइन 75 इंटू साइन 15 कैसे भी करपर साइन 75 इंटू साइन 15 ओके तो आम कौन लिखिपर ना साइन 45 प्लस 30 इंटु साइन 45 माइनस 30 ताल आम अलरेडी पढ़ीचे कौन ना यहाँ बर्तमान कौ फर्म अच्छे ना साइन ए प्लस बी इंटु साइन ए माइनस बी तो आम अलरेडी पढ़ी देते साइन ए प्लस बी इंटु साइन ए माइनस बी थी कौन हम ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एटे कौन लिखे ना साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री ओके साइन स्क्वायर 45 वैल्यू कैसे ना साइन 45 वैल्यू वन बै रुट टू साइन स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन 30 कैसे ना वन बै टू रो स्क्वायर होगा ये कहते हैं ना वन बै टू माइनस वन बै फोर आम जब एलसीएम नहीं गले फोर तेल टू माइनस वन इक्वल टू वन बै फोर तेल एम आंसर बाहर करेंगे किंबा जब आप पकड़े कौन ना कस्क्वायर बी माइनस कस्क्वायर बी माइनस कस्क्वायर तार भी वैल्यू सेम वैल्यू देख ये आम कौन कर ना कस्क्वायर बी मान के 30 माइनस कस्क्वायर ए मान के 45 कस्क्वायर 30 कैसे कस 30 कैसे ना रुट थ्री बै टू रोल स्क्वायर माइनस कस 45 कैसे ना वन बै रुट टू रोल स्क्वायर रुट थ्री बै टू रोल स्क्वायर कैसे ना थ्री बै फोर माइनस वन बै टू एलसीएम जब गला फोर तेल ठीक है ना थ्री माइनस टू इजिक्वल टू वन बै फोर तनिटा मेथड्रे गले तीन टाक सेम आंसर आसला कारण गोटे क्वेश्चन तो आम जेको मेथड्रे सल्व करेंगे ओके तो आज क्लास इतनी तो नेक्स्ट क्लास में आउ किसी प्रूफ पढ़ा तो सहित किसी प्रोब्लेम सल्व करेंगे ओके थैंक यू।